far. In last period, we had to start it photolytic effect. फोटोलिटिक इफेक्ट चालू था, उसके तीन ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हुए थे। यानी ये ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब, इमीटर प्लेट, कलेक्टर प्लेट, ये कॉर्स विंडो, इसमें से लाइट इंसिडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस, फिनोमेना इज नोन एज ए फोटोलिटिक इफेक्ट, एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड आर नोन एज ए फोटो इलेक्ट्रॉन्स. Current passes through the circuit known as a photo current. So this effect is known as a photoelectric effect. उसका पहला जो था observation of threshold frequency का था, दूसरा instantaneous process और तीसरा था intensity. देखो आज अपन discuss कर रहे potential के बारे में. देखो ये जो current pass हुआ, देखो यहाँ पे battery हुई थी, इसको अपन positive potential देते, negative charge electron is attracted towards the positive plate, current flows. ये जो current pass हुआ, current it depends upon positive potential, इसके ऊपर depend है, ठीक है? तो देखो इसका graph निकालो, ये diagram मत निकालो, इसका graph निकालो ऐसा. ये potential है जीरो, इधर माइनस वी पोटेंशियल, यानी प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस माइनस वन माइनस टू, ऐसे ये निगेटिव पोटेंशियल है और इसके ऊपर लेंगे अपन करंट, ठीक है? करंट इज टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस. तो ये जो अपनी बैटरी है, यानी ये कलेक्टर करंट है, ये कलेक्टर प्लेट, ये इमिटर प्लेट, ये कॉर्स विंडो, इसमें से लाइट आएगा, लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्लेट, इमिटर प्लेट, करंट आर इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फॉर मेटल सरफेस एंड करंट फ्लोज, फिनोमेना इज नोन एज फोटोलिटिक इफेक्ट. इसको पॉजिटिव पोटेंशियल देते, ठीक है? देखो पहले क्या होगा, समझो इसको अपन ने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया ही नहीं, जीरो पोटेंशियल दे दिया, तो एक्चुअली क्या होना चाहिए, एक भी इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं आना चाहिए और करंट डिक्रीजेस टू जीरो, करंट जीरो होना चाहिए सर्किट में का. समझो यहां से हर सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहे, रेट ऑफ इमिशन 50 है पर सेकंड, 50 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, तो एक भी इलेक्ट्रॉन यहां पे जाना नहीं चाहिए क्योंकि पोटेंशियल क्या है, जीरो, करंट जीरो होना चाहिए था. लेकिन ऐसा होगा नहीं, समझो ये यहां से 50 इलेक्ट्रॉन निकले तो यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, अटैक हो गए, और 40 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस गए. अब तुम बोलेंगे सर कि यहां पे जो जीरो पोटेंशियल है, अपन जीरो पोटेंशियल दिलेला है, एक ही इलेक्ट्रॉन तिथे यायला नव्हता पाहिजे, अटैक व्हायला नव्हता पाहिजे, मग जर 50 इलेक्ट्रॉन इथून निघाले तर 10 इलेक्ट्रॉन का अटैक झाले तिथं? त्याचं कारण असं आहे कि ये जो 50 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से जो 10 इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचे हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी. देखो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे, हर एक का स्पीड अलग अलग है, हर एक की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, पर इथून जो इलेक्ट्रॉन निकतात ना, त्यांचा स्पीड हा वेगवेगळा असतो, त्यांची काइनेटिक एनर्जी ही वेगवेगळी असते, आणि ज्यांची मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी असते ते इथे येऊन पोहोचतात, त्यांना अट्रॅक्शनची आवश्यकता नाही, पॉझिटिव्ह पोटेन्शियलची आवश्यकता नाही. म्हणून म्हणजे एक एक्झाम्पल दे आता तुमको की 50 इलेक्ट्रॉन यहां पे निकले, 10 इलेक्ट्रॉन अट्रॅक हो गए, 40 इलेक्ट्रॉन वापस गए, तो करंट पास हो गए, समझो जीरो पोटेंशियल है, करंट इतना पास हो गए, ये करंट है, समझो ये 5 माइक्रो एम्पियर करंट पास हो गए, करंट इज मेजर बाय माइक्रो एम्पियर, वहां पे अपन ने लगाया नीचे बैटरी लगाइए, माइक्रो एमीटर लगाया करंट मेजर करने के लिए. अब मैं क्या कहूंगा, वोल्टेज बढ़ा दूंगा, ये वोल्टेज बढ़ा दिया मैंने, प्लस वन वोल्ट किया, फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी करंट इंक्रीजेस, नो पोटेंशियल इंक्रीजेस, करंट बाद में प्लस टू होल्ड कहूंगा, प्लस थ्री होल्ड कहूंगा, ऐसे करंट वोल्टेज बढ़ाते जाता,
जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाते जाता हूँ वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक होते जाएंगे और करंट इंक्रीज होते जाएंगे। मी जो वोल्टेज वाढवलं तर जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन वाढत जातील आणि करंट हा वाढत वाढत जाईल, म्हणजे वोल्टेज इंक्रीजेस करंट इंक्रीज, म्हणजे करंट बढावा असे। एक समझो मैंने यहां पे 5 वोल्ट किया, समझो 5 वोल्ट पे क्या हुआ कि यहां से 50 इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, 50 के 50 इलेक्ट्रॉन अट्रैक हो गए एंड करंट फ्लोस इन द सर्किट। म्हणजे रेट ऑफ इमिशन, जेवढे इलेक्ट्रॉन इमिट झाले तेवढेचे तेवढे इलेक्ट्रॉन अट्रैक झालेले आहेत तिथे, अशी कंडिशन आली, स्टेज आली, त्यावेळेस करंट हा जास्त असतो। नंतर तुम्ही 6 होल्ड केलं, 7 होल्ड केलं, कितीही पोटेन्शियल केलं, करंट वाढणार नाही। का वाढणार नाही करंट? कारण जेवढे इलेक्ट्रॉन इमिट झालेले आहेत तेवढे अट्रॅक आधीच केलेले आहे, आता तेवढेच अट्रॅक होतील, इलेक्ट्रॉनची संख्या वाढणार नाही। तो करंट बिकम मॅक्झिमम अँड आफ्टर देम कॉन्स्टंट, तो करंट, वो करंट जो है वो कॉन्स्टंट बन जाएगा। दिस करंट इज नोन एज ए सैचुएशन करंट। यानी बाद में तुमने कितना भी वोल्टेज किया, ये इसके बाद में समझो 5 वोल्ट पे क्या हो गया, जितनी इमिट हो गई इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे अटैक हो गए, यानी करंट बिकम्स मैक्सिमम। अब उसके बाद में तुमने कितना भी वोल्टेज बढ़ाया तो ये करंट बढ़ने वाला नहीं है। दिस करंट इज कॉल्ड एज ए सैचुएशन करंट, इसको सैचुएशन करंट बोलते, सैचुएशन करंट, ये सैचुएशन करंट होगा, ये सैचुएशन करंट कॉन्स्टेंट करंट है। दिस करंट इज कॉल्ड एज ए सैचुएशन करंट, ठीक है, ये समझो आईओ यानी सैचुएशन करंट, ये पहला सैचुएशन करंट है। अब ये कंडीशन पे आ जाओ, फिर से समझो ये झोल था, एग्जाम्पल बताया तुमको, एग्जाम्पल संगितलेला है कि 50 इलेक्ट्रॉन इथून निघाले, 50 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन अट्रैक हो गए, करंट पास हो गए एट झू होल्ड, ये झू होल्ड पे करंट पास है, या समझो ये 5 माइक्रो एम्पियर है, ऐसा बाद में करंट बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो गए। अब ये जो करंट पास हुआ ये मुझे झू करना है, तो क्या करना पड़ता है, ये जो की हुई थी बताई थी तुमको, ऐसी की रिवर्सिंग की बताई थी, समझ में आया ना, कॉमिटेटर की, उसको घुमाना और इसको निगेटिव वोल्टेज देना। समझो मैंने -1 वोल्टेज दिया, -1 पे क्या होगा, अभी 10 इलेक्ट्रॉन में से समझो 3 इलेक्ट्रॉन वापस गए, यानी 7 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, यहां पे करंट डिक्रीजेस। फिर मैंने -2 वोल्टेज किया, फिर से करंट कम हो गए। फिर मैंने -3 होल्ड किया, फिर से करंट कम हो गया एंड इट करंट डिक्रीजेस टू 0। -3 पे ये पूरे इलेक्ट्रॉन रिपेल हो गए, वापस गए, और ये वोल्टेज पे करंट बिकम्स 0, इसको बोलते स्टॉपिंग पोटेंशियल। याला काय म्हणतात, स्टॉपिंग पोटेंशियल किंवा कट ऑफ पोटेंशियल, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते, नहीं तो कट ऑफ पोटेंशियल बोलते। इट इज द निगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो करंट डिक्रीजेस टू 0 इज कॉल्ड एज ए स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। याला स्टॉपिंग पोटेंशियल म्हणतात किंवा कट ऑफ पोटेंशियल म्हणतात, ज्या पोटेंशियल करंट हा 0 होतो। फिर मैंने क्या किया, इंटेंसिटी बढ़ा दिया, इंटेंसिटी इंक्रीजेस, जो लाइट है वो कॉस विंडो से इंसिडेंट हुआ ये इमिटर प्लेट के ऊपर,
उसकी इंटेंसिटी मैंने बढ़ा दिया तो क्या बन जाएगा मालूम है, ये सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो जाएगा। सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस, सैचुरेशन करंट इंक्रीज, ये दो नंबर का सैचुरेशन करंट है। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता तो, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। ये तीन सैचुरेशन करंट बता दूंगा मैं, एज यू थ्री, सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस। ये तीन सैचुरेशन करंट, एक दो तीन, फॉर थ्री इंटेंसिटी। तो ये होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का पॉइंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको बोलेंगे, वो कलेक्टर को निगेटिव पोटेंशियल देना है कि करंट डिक्रीजेस टू जीरो, क्या मानता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। लिखो, मैं डिटेक्ट करता, ये ग्राफ निकालो और ग्राफ के बाद में ये चार नंबर का पॉइंट लिख लो तुम। फोटो करंट डिपेंड्स ऑन एक्सीलेटिंग वोल्टेज वी, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी यानी न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए, केप्ट कॉन्स्टेंट। फ्रीक्वेंसी मैंने कॉन्स्टेंट रखी है, फ्रीक्वेंसी मैंने कॉन्स्टेंट रखी है। असं होतं ना की फोटो करंट म्हणजे करंट कशावर डिपेंड असतो, व्होल्टेजवर। वो कलेक्टर का जो व्होल्टेज होगा बड़ा है तो करंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, नाउ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर इंक्रीजेस एंड मेजर फोटो करंट, एंड मेजर फोटो करंट आई, इट इज ऑब्जर्व दैट फोटो करंट इंक्रीजेस वाइथ इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर। म्हणजे कलेक्टरचं जे पोटेन्शियल आहे ते आपण वाढत वाढत गेलो तर करंट वाढत वाढत जातो। एंड सम स्टेज, एट सम स्टेज ऑफ पॉजिटिव पोटेन्शियल ऑफ कलेक्टर, काय सांगितलं की जेवढे इलेक्ट्रॉन इमिट होतील तेवढेच ते अट्रॅक्ट झाले पाहिजे, त्यावेळेस करंट हा मॅक्झिमम असतो, त्याला सॅच्युएशन करंट म्हणतात। त्याला काय म्हणतात, सॅच्युएशन करंट। ऑल इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय कलेक्टर,
અને કલેક્ટર પ્લેટ ઓ જો કલેક્ટર પ્લેટ હૈ એક સ્ટેજ એસે આને વાલી હૈ કે સબ કે સબ ઇલેક્ટ્રોન ઓ કલેક્ટર કલેક્ટ કરને વાલા હૈ ઇફ વો ઇન્ક્રીઝેસ પોઝિટિવ પોટેન્શિયલ then photocurrent does not increase this maximum value of current is called as saturation current चला उसको बोलते सैचुएशन करंट कॉल है सैचुएशन करंट हो गया चार नंबर का पॉइंट पांच नंबर का पॉइंट पा कीपिंग वोल्टेज वी एंड फ्रीक्वेंसी फिक्स तो ये जो सैचुएशन करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड है इंटेंसिटी के ऊपर किसके ऊपर डिपेंड है इंटेंसिटी इफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेरिएशन इंक्रीजेस देन सैचुएशन करंट इंक्रीजेस ये पॉइंट बताया ना तुमको जैसे तीन सैचुएशन करंट निकाले मैंने तीन इंटेंसिटी के ऊपर 6 नंबर का पॉइंट देखो अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल की डिफिनेशन नाउ कॉमिटेटर की वो जो डायग्राम में तुमको मालूम है कॉमिटेटर की इज रिवर्स उसको ऐसे घुमा दिया और कलेक्टर को निगेटिव दे दिया सो दैट निगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू कलेक्टर कलेक्टरला कलेक्टर प्लेटला कोणतं पोटेंशियल दिला निगेटिव पोटेंशियल ऍट पर्टिक्युलर negative potential for which photocurrent becomes zero is called as देखो ये डिफिनेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल की इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल म्हणतात किंवा कट ऑफ पोटेंशियल म्हणतात इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल एक फॉर्मूला है उसका जैसे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ऐसा फॉर्मूला है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू
क्यू इंटू ही क्यू. अब ये जो फॉर्मूला है इसको यहां पे ऐसे लिखना है. देखो अभी तुमको पढ़ाया था मैंने कि ये जो इमिटर प्लेट है करेक्ट है, यहां से लाइट इलेक्ट्रॉन्स है इमिटेड. इसको अपन ने जीरो पोटेंशियल दिया था तो भी करंट पास हुआ था, बाद में इसको निगेटिव पोटेंशियल दिया सो दैट करंट बिकम जीरो. तो वहां तक वो जो इलेक्ट्रॉन आए थे किसके वजह से आए थे, जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी. तो वर्क यानी एनर्जी, वर्क की जगह पे काइनेटिक एनर्जी. क्यू यानी चार्ज, चार्ज ई यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और वी यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल. के मैक्स इज इक्वल टू ई इंटू वी जीरो, वेयर ई यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. तो ये हो गई तुम्हारी छह नंबर की प्रॉपर्टी, समझ में ना. यानी छह नंबर की प्रॉपर्टी में अपने देखा है, ऑब्जर्वेशन देखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको बोलते हैं, निगेटिव पोटेंशियल जिसके ऊपर फोटोकॉन जीरो बन जाएगा, दैट इज नोन एज ए स्टॉपिंग पोटेंशियल. सात नंबर, फिर से डायग्राम निकालो. ये जीरो वोल्टेज, ये पॉजिटिव वोल्टेज, ये निगेटिव वोल्टेज, ये करंट ऑन वाई एक्सिस. ये सैचुएशन करंट, करंट डिक्रीजेस टू जीरो, इसको बोलेंगे अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल. समझो ये वी जीरो वन ये स्टॉपिंग पोटेंशियल. मैं क्या कहूंगा, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखूंगा और फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा, समझ में है ना. पहले इसमें क्या किया था, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा था, इंटेंसिटी चेंज किया था. अभी मैं इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट, अगर इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट है तो ये सैचुएशन कान कॉन्स्टेंट बन जाएगा. तो यहां पे क्या होगा, ऐसे स्टॉपिंग पोटेंशियल तीन आ जाएंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है. फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है. फ्रीक्वेंसी चेंज होने के कारण स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आएंगे. यानी ये समझो पहला स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये दूसरा और ये तीसरा जो थी. यानी अभी क्या किया मैंने, नाउ इंटेंसिटी एंड एक्सेलेरेटिंग पोटेंशियल यानी वी, यानी वी आर केप्ट कॉन्स्टेंट. अगर इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट है तो ये जो है ना ये कॉन्स्टेंट सैचुएशन करंट कॉन्स्टेंट है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन चेंजेस. Then saturation current remains constant and stopping potential changes. Stopping potential changes. तो ये सात नंबर का ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गया. म्हणजे सात नंबरच्या ऑब्जर्वेशन मध्ये आता आपण इंटेन्सिटी कॉन्स्टंट ठेवत आहोत आणि फ्रिक्वेन्सी चेंज करतोय. तर सॅच्युएशन करंट हा कॉन्स्टंट होईल आणि स्टॉपिंग पोटेन्शियल हे चेंज होऊन जाईल.